नमस्कार प्रणाम, हम रवि किशन शुक्ल, तहे दिल से हिंदुस्तान के पूरा भोजपुरी आवाम के करतवानी सलाम और स्वागत करतवानी डांस के सबसे बड़का शो जोना के नाच नचैया धूम मचैया। जैसे इनकी रेवा लोग के पता बाटे कि आज सब वाइल्ड कार्ड जोड़ी के नाच के कसौटी पे कसल जाई और उकरा में सिर्फ दू गो जोड़ी के मुकाबला में आगे बढ़े खातिर चुनल जाई। मतलब आज ये ऐतिहासिक चुनाव के बाद हमनी के मिल जाई टॉप 7 जोड़ी। तो आगे बढ़े से पहले स्वागत कर जाओ डांसिंग युग के 3 युगांधर, नृत्य के नित साधना माने जाने वाली नाचा मयूरी सुधा जी। भोजपुरी डांसिंग वर्ल्ड के नटराज और क्रिएटिव बुद्धिमान सदबुद्धि गणेश आचार्य। आज मैं तेरे लिए एक सरप्राइज लाने वाला हूँ, बहुत बड़ा, तू देखना। सरप्राइज नहीं मास्टर जी, झटका। ऐसा झटका देंगे एकदम, तुमको देख के ना एकदम बुखला जोगे, चाप के हम तुमको बताएंगे क्या है। और चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे ए माई, ए बापू, ए भैया, ये देखो हम लाए रवि किशन के लिए कुछ। अच्छा जोन कोनो झटका सरप्राइज पता ना का हमारे जीवन का कोई दास्तान हुई या कुछ ऐसा बात हुई जो तीर ही नहीं भाला भी चली और तीर धनुष भी चली। स्वागत बाटे का है कि न्याय मंडल गुरुवर लोगन के हमेशा प्रसाद भेटाला, ये लोगन से बड़ शक्ति क्यों नहीं खे। देखल जाओ कि आज दू गो डांसिंग जोड़ी के बाटे सुरक्षा चक्र में अपन जगह बना के सीधे टॉप 7 में पहुंच जाए। तो डांस के महामंच में अपन दावेदारी कंफर्मेशन के मोहर लगाए के इरादा लेके आरल बाटे पहल का जोड़ी। शानदार ताली के साथ स्वागत कर जाओ लखनऊ के अखिलेश और उनके हीरोइन पार्टनर सुंदर सुशील कृष्णा खंडेलवाल। जियल जाई जाने जाना, ए तुम्हारा बिना न जियल जाई जाने जाना, कैसे बिताई दिन रात। तुम्हारा बिना न जियल जाई जाने जाना, कैसे बिताई दिन रात, कैसे बिताई दिन रात, कैसे बिताई दिन रात। अब तक जुदाई सहाई हमसे जाने जाना, कैसे बिताए दिन रात। रिदम के साथ बड़ा खूबसूरत जोड़ा लागत रहे, एकदम बहुत धन्यवाद, एकदम चपले रहला तू लोग। अब देखल जाए कि न्याय मंडल के कितना चपैला। गणेश जी
मुझे सिर्फ क्लिच आप गाना नहीं गा रहे थे शायद आपको मतलब वो मुझे इसलिए इसके फीलिंग्स नहीं आ रही थी, गाना आप गा के करते ज़्यादा अच्छा लगता। और कृषा वेरी गुड, दोनों ने बहुत अच्छा किया। थैंक यू मास्टर, बहुत बढ़िया। आज नंबर मार्क्स ना बतावल जाई, काल के दियल मार्क्स से आज जोड़ के तय हुई कि कौन सा दूगो जोड़ाई मंच पे वाइल्ड कार्ड के जरिए दोबारा ही कॉम्पिटिशन में शामिल हो जाई। तो याद रखिए आप लोग। सुधा जी, कृषा आई थिंक ये आपके मतलब क्लासिकल फॉर्म ऑफ डांस आपका फ्यूजन मुझे बहुत अच्छा लगा। ओनली थिंग आई फेल्ट कि थोड़ा सा आपका आई कॉन्टैक्ट जो है, अखिलेश आपको बार बार आपकी तरफ देख रहा था, वो थोड़ा सा वो आई कॉन्टैक्ट मिस हो रहा था आपका। आई थिंक अगर आप उसकी आंखों में आंखें डाल के डांस करती ना तो परफॉर्मेंस वाइज एंड इवन बॉडी लैंग्वेज वाइज मच मच बेटर होता। स्पेशली वो जो आपको लिफ्ट कर रहा था, स्वर्ल कर रहा था, जब आप उसके गोदी में थे इवन योर टोज बहुत गॉकी था, कुछ एक पैर ऊपर एक टांग नीचे, तो आई थिंक थोड़ा सा वहाँ पर क्लम्जीनेस की बात आई थी, बट अदरवाइज यू आर वेरी गुड। एंड अखिलेश आई एम रियली सॉरी, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको टेलीविजन में मिलूंगी, आई थिंक अब तो आपको बड़े पर्दे पर जाना चाहिए। वो वाह, यू आर वेरी गुड। थैंक यू सो मच। भोजपुरिया नटराज, गाना बहुत अच्छा रहल, कंपोज भी बहुत अच्छा किया आप कोरियोग्राफर ने, ये और थोड़ा अच्छा होना चाहिए था, अच्छा हुआ है, लेकिन ये कंपटीशन हो गया ना अब तो बढ़ रहा है, तो ऐसा नहीं लगना चाहिए। ठीक बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। कानूदा के कहे का मतलब ये रहे कि कंपटीशन बाटे तो ऐजा कोनो भी चूक के माफी ना मिली। रवि भैया एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ। कहा, मैं पूरी मेहनत करूंगा और सबकी उम्मीदों पे खरा उतरूंगा, ये वादा करता हूँ बस। अब तक की जितनी परफॉर्मेंसेज दी है ये मेरी वन ऑफ दी मतलब फेवरेट परफॉर्मेंस आप कह सकते हैं, जिसमें मैंने एक्चुअली दिल से किया, पहले मेरा ये खुल गया, डिवर्ट हो गया थोड़ा, लेकिन एनी हाउ मैंने बहुत दिल से किया, मुझे बहुत मज़ा आया ये करने में, और अखिलेश जैसा पार्टनर है मेरे साथ तो बहुत बहुत अच्छा लगा। जय हो मजा आला। थैंक यू, मजा आला। बैठा, आज मुकाबला एगो ऐतिहासिक मोड़ पर बाटे, काहे कि वाइल्ड कार्ड के जरिए दू गो जोड़ी के चुनाव होला के बाद ही महामंच के मिल जाए टॉप 7 को जोड़ी, और यह टॉप 7 को जोड़ी में से कोनो एक जोड़ी कुछ ही सप्ताह के बाद बनी भोजपुरिया आवाम के सबसे बड़का डांसिंग जोड़ी का साथे बनल रही, काहे कि बहरलवा डांस के पुरवैया जेगरा के देखत आड़ा हमार कुल भगवान भोजपुरी रहवैया, नाच नचैया धूम मचैया रे भैया। भोजपुरी हेलन और भोजपुरी डांसिंग वर्ल्ड के सरताज अविनाश के मौजूदगी से मामला बहुत गंभीर हो गई बाटे। तो भाई हम तो यह कह चाहब कि मंजिल जितना बड़ होला मुश्किल उतने ही बड़ होला। अगला जोड़ी अपन दावेदारी परमानेंट बरकरार रखे खातिर जबरदस्त दू जुनून के तूफान लेके आ रहल बाटे, लेकिन ओकरा से पहले हम जाने चाहब निसार, बहुत खतरनाक डांसर तू बाड़ा, बहुत अद्भुत अनारा बाड़ी, अविनाश तोरा खातिर आ गई ना जवाब के रूप, संभावना जी का तो कोनो जोड़ नहीं की, का कहबा इन लोगन के एंट्री पर वाइल्ड कार्ड में आके बैठ गेलन एकदम आगे। मैं केवल अपने जो निर्णायक मंडल हैं मैं केवल उनसे ही ये पूछना चाहूँगा कि मैं सबकी तरफ से बोलना चाहूँगा, क्योंकि हम लोग बहुत छोटे शहरों से आए हैं और हम लोगों की कुछ उम्मीदें हैं कि हम लोग जीतें। आप टॉप 5 में आने के बाद ऐसा सरप्राइज मिलेगा कि एक जोड़ी और आ रही है, तो मैं ये निर्णायक मंडल से अपने पूछूंगा कि ये सही है। वाइल्ड कार्ड एंट्री में कोई भी आ सकता है, क्यों नहीं, आई थिंक बहुत टफ कॉम्पिटिशन देने आए हैं दोनों, बल्कि आपको तो इनसिक्योर नहीं होना चाहिए ना सर। नहीं, मैं डरता नहीं हूँ किसी चीज से। आप डरते नहीं हो, सिर्फ बोलते हो, डर के मारे बोलते हो। वो कुछ ऐसा ही है, बच्चे हैं, संभावना भी मेरी बेटी है, वो भी मेरा बच्चा है। मेरी जिंदगी का एक सिद्धांत है, क्योंकि जहाँ हाथ डाला वहाँ फाड़ डाला, जहाँ हाथ डाला वहाँ फाड़ डाला, क्या बात है यार, बहुत अच्छा। कृषा और अखिलेश के अद्भुत परफॉर्मेंस पर मुंह तोड़ जवाब देवे और बाकी सब जोड़ी के विरुद्ध चुनौती के चाना वॉल खड़ा करे, प्लीज वेलकम करी भोजपुरी सिनेमा के लवली हीरोइन लवी रोहतगी और प्रकाश मलिक बेगूसरैया।
गाना में दर्द भी रहे, एक्ट भी बहुत बढ़िया रहे और बहुत अच्छा प्रकाश तो हूँ बहुत अच्छा कैला। अब जज न्याय मंडल से जानल जाओ कि उन लोगन की कितना प्रभावित कैला तू लोग। भोजपुरिया नटराज कानूदा, जितनी तारीफ की जाए कम है। कोरियोग्राफर को मैं, हम लोग भी सब रोने लगे थे, इतना उस पर घूम गुल गए थे। लवी एक्सप्रेशन आपने बहुत अच्छा किया, प्रकाश तू बहुत बेटा अच्छा कर लो, बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद जी। इसको बोलते हैं जहाँ हाथ डाला वहाँ फाड़ गए। धन्यवाद मास्टर जी, शुक्रिया। ये एक्सप्रेशंस सिर्फ और सिर्फ मैं, मास्टर जी आपने और सुधा मैम जी ने मुझे बहुत डांट डांट के मैंने सोचा एक्सप्रेशन एकदम अपोजिट दूंगी। जैसी लवी है, लवी को एक आइटम के रूप में देखा जाता रहा है अभी तक इस शो में, तो मैंने सोचा कि वाइल्ड कार्ड है तो आप लोग को कुछ अलग करके दिखाया जाए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। निसार इसको बोलते जहाँ हाथ डाला फाड़ डाला, याद रखना ऐसे ही। बाकी आपके री एंट्री में, आपके परफॉर्मेंसेज में एक मेच्योरिटी आई है। पहले आप सिर्फ डांस करते थे जी मैम, अब आप दिल से डांस करते हैं। धन्यवाद मैम। मैं अभी बोलने वाली थी कि लवी बहुत गिरी हुई डांसर है, बार बार गिर गिर के डांस कर रही थी। हम चाहते हैं जितने बार गिरे उतने बार आप आशीर्वाद दें हमें। अ तू गिर ना, वापस गिर। ठीक है मैम, हम गिर रहे हैं फिर। उठ, बहुत फेंका इसने मुझे, तो कमर टूट रही है। वही पड़े रहे जब तक मैं, तू वही पड़े मैम मेरे कमेंट्स तक, तू गिरे पड़े रहे वहाँ। आई थिंक आज गाना आपका था पर टोटल सपोर्ट प्रकाश ने दिया। जी बिल्कुल मैम, धन्यवाद मैम, कोई शक नहीं। ए तू लेट के मत बात कर मेरे से। वेरी गुड, एक्सेलेंट कोरियोग्राफी लवी, बहुत अच्छा किया आपने। वो जो नीचे गिरा पड़ा है उसने भी बहुत अच्छा किया। धन्यवाद मैम, बहुत बढ़िया। धन्यवाद आप लोगों का। हम एक बात कहो, अपन पापा मम्मी के खातिर दो लाइन हम गाना गाई, इजाजत है? जरूर जरूर जरूर। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा, ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। और कुछ बोले के बाद गांव वाले के लिए गाना गाते, बेगूसराय के लिए। केकरा से हमें बतिया करेला, केकरा से हमें बतिया करेला, अखियां से तोहरे सूरतियां दिखीला, अखियां से तोहरे सूरतियां दिखीला। इसकी बेगूसराय में कितनी पत्नियां हैं देखो, पूरा बोले थे बेगूसराय के लिए गा। बेगूसराय वाले लोग के लिए हम बहुत बहुत उनसे आशीर्वाद मांगा, ताकि हमारा आशीर्वाद। इसको लेके जाओ, इसको जहा जा लगी, बाय। और अब टॉप पांच के एगो जोड़ी से हम यही जाने चाहब कि लवी और प्रकाश के परफॉर्मेंस में कितना दम बाटे। जोनू सिंह का हो, वाइल्ड कार्ड का मजा कैसे आवता, संभावना जी अविनाश बाबू के आगमन का कैसे लागता, का कहे चाहबा? टॉप फाइव तक हम लोग पहुँचे हैं और ये तो पता था कि गुंजन मैम नहीं आ रही हैं तो कोई एक जोड़ी आएगी, लेकिन ये नहीं पता था कि इतनी भारी और इतनी भयंकर जोड़ी आएगी जैसे कि संभावना मैम है। मैम, संभावना मैम से मुझे ही बहुत डर लगता है, मैं भी इनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो मैम, ये हम लोग के साथ, मैं आपसे यही क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि हम लोग के साथ अच्छा हुआ कि हम लोग टॉप फाइव तक इतनी मेहनत करके पहुँचे और अचानक से बीच में मैम ये लोग की एंट्री सॉलिड। तुम्हारी यही तमन्ना थी ना कि संभावना को तुम देखना चाहते थे, देखो आज तुम्हारे सामने बैठी है स्टेज पे। मैं अपने साथ इनको मतलब कि कंपटीशन करते हुए नहीं देखना चाहता। वो तो आई है तो कंपटीशन में तो उतरी है, अब उसे कोई नहीं रोक सकता। अगर मैं शुरू से इस मंच पर आती, बिल्कुल बिगनिंग से, तब भी कंपटीशन तो टफ होता ही ना, तो देर आए दुरुस्त आए तो क्या हो गया उसमें? ठीक बात, देखा न्यायमंडल का सोच रहे, न्यायमंडल का डिसीजन। नहीं जोनू, मैं तो यही कहूंगी कि एक्चुअली अब कंपटीशन बहुत टफ हो गया, अभी तो मजा आएगा डांस करने में। ओके, लेकिन मैम एक बात जरूर मैं कहना चाहूँगा, निसार भाई की तरह मैं ये नहीं बोलूँगा जहाँ हाथ डाला वहाँ फाट डाला, मैं इतना जरूर बोलूँगा जो उस दिन रवि सर ने बोला था, आरा जिला घर बात तो कौन बात के डर बा। रवि ज़्यादा हंस मत तू।
तेरी हंसी बंद करने वाला मैं अभी थोड़ी देर में। असली खेला चली फिर पता चली। खैर आप लोगों का क्या गणित हो हमके मालूम नहीं थे, लेकिन जॉन भी बाटे सच बोल रहा हूं। मजाक लग रहा है, हम लोग मजाक नहीं। इसे कहा हम कह दिए जो आज पकड़ा जाए। बहुत किशन करना ही है बंदे। 15 साल नहीं, जब से पैदा हुआ तब से पता चली आज। तेरी पोल खोलता हूँ, रुक जावे। काम बुला गए हम तो, क्या करे बैंकरिंग, क्या करेंगे लोग। बेटा बोले तो भूल गए, दिखाए तो दुनिया भूल जाओगे। अगला वाइल्ड कार्ड जोड़ी। तो क्या इतना नैसा ऐसा ऐसा कर रहा। ठीक है तो मैं अभी तेरी हवा टाइट करनी पड़ेगी। तो एक काम कर, टर्न कर, टर्न कर, प्ले। उत्तर प्रदेश के एगो छोट शहर जौनपुर के छोट से गांव केराकत में एगो पुजारी के घर में जन्मल ऐसन सितारा जे आज भोजपुरी जगत के पहचान बन गई बा। आज हमी पूरा इलाका के बेताज बादशाह बनी। चाहे भोजपुरी सिनेमा होखे चाहे हिंदी सिनेमा, इस सितारा के हिंदुस्तान के दर्शकन से बेशुमार प्यार मिला। आज जब इस सितारा कोई संवाद बोलेला तब बच्चा बच्चा भी दोहरावेला। जिंदगी झंडबा फिर भी घमंड। जब इस सितारा पर्दा पर हंसेलन तो इनका साथे सौसे दुनिया हंसेलन। जब रोएलन तो सौसे दुनिया रोवेली। इतना हम वादा करता नहीं कि हम ना जाए, हम फौजी बानी। जब नाचेलन तो सने सने सौसे दुनिया नाचेली। रवि जी अपने आप में ही एक एक्टिंग स्कूल है। ठाकुर आज ही गुलाब भीमा तोरे गुलामी का जंजीर हमेशा खातिर तोड़ देने। एक ऐसे अदाकार है जो ऑलराउंडर है, साथ ही साथ बहुत अच्छे इंसान भी हैं। भोजपुरी सिनेमा को और बहुत ऊंचाई पर लेकर जाएं, ये मैं उनके लिए शुभकामनाएं। बचपन में रामलीला के मंच पर आगे के कारण बाबूजी के मार धोखे या सपना के नगरी मुंबई के झकझोर दे वाला संघर्ष, हर बाधा के चीर के आज वो गवई लयिका बन गई बा महानायक रवि किशन। अगर इरादा नेक होखे और आपन कला पर विश्वास होखे तब दुनिया के कोनो ताकत सफल होखे से ना रोक सकेला। रवि के पिताजी आए यहाँ पे स्टेज पे। धन्यवाद, प्रणाम करें। ये आदमी हैं जे हमारे जिंदगी में आज हम जे भी है हमारे पिताजी के वजह से। ये हमके बचपन में बहुत मारलन, पट्टा पट्टा मारत रहलन। आज उकर प्रसाद हमके मिलल। हमरे हमार कोई गुरु नहीं है हमारा, ये गरीब ब्राह्मण का लड़का है। हम बहुत दुख देखे लेकिन हम कभी अपने माता पिता के बताए नहीं, और यही आदमी मेरी शक्ति है जो श्याम नारायण शुक्ल ये हमारे पिताजी हैं। बहुत मारे हमको, का कहीं वो शब्द नहीं के हमरा लगे, का कहीं बस ऐसे ही लोग लाके हमके सरप्राइज दे देले। हम भुला गए गणेश जी वाड़न बाबू हमार डांस हम इनसे सीखा ली। हमें यहाँ आने से बड़ी खुशी हुई आप यहाँ सबको देख करके, और आज हम कि बचपन में इनको हम अपने बाल बच्चों को जैसे बगीचा ये मालिक संभालता है
इस प्रकार ये लोग को बच्चे लोग को संभालते हुए अपने जीवन को बड़ी धन्यवाद समझा। मारते क्यों थे पट्टा पट्टा? और इसलिए मारते थे कि अपने स्कूल का बराबर अध्ययन करो और कहीं आलतू फालतू इधर उधर मत जाओ। इनको लगता था हम बचपन में गुंडा बन जाएंगे। 85 वर्ष की आयु है पिताजी की और ये जीवन में बाहर का भोजन कबो ना कैलन, हमके यही सिखैलन संस्कृति संस्कार ई से पाए हम। बिल्कुल ये सत्य बात है। यहाँ आज हमें बड़ी शौक रहे फिल्म के नाते कोनो गाना की कुछ मंत्र पढ़ दे। मंत्र पढ़ाना। धन्यवाद। श्री रामचंद्र कृपाल बोला। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव दारुण नव कंज लोचन कंज मुख पर कंज पद कंजारुणम कंदर पयंगणित अमित छवि नव नीर नीरज सुंदरम पट पीठ मानव तणित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम। अच्छा बाबू हम मेरे लिए कुछ बोलो ना, हम अभी आपके लायक बेटा हैं कि ना लायक? अरे बेटा धन्यवाद है, आप जैसे सबको भगवान पुत्र देवे और सबको ऐसे हो ऐसे संस्कार बने। 85 साल की आयु में पूरा श्लोक पढ़ दिए, जय हो इनके छोड़ के आवत है हमारे बाबू के। धन्यवाद मास्टर जी, सब लोगन के बाय बाय कर दा।